जी तोतले भैया ने फिर से एक ऑडियो हमारे सामने पटक दी है और हम अपना दिमाग खपा खपा के उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अच्छा ये किसने बोला, अच्छा वो किसने बोला, अच्छा ये किसकी आवाज़ है, ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तोतले भैया, डालना है तो वीडियो डालो, ऑडियो ना डालो, उसमें पता नहीं चलता है कि कौन बोल रहा है। ठीक है मैं भोजपुरी समझती हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ तो नहीं ना पहचानती हूँ, किसका क्लियर है किसका ना क्लियर है। हाँ आपकी मम्मी का आवाज़ बड़ा तेज आ रहा था, चाय 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 चाय। आप अपनी मम्मी का ही पोलम पट्टी खोलने पे पड़े हैं, उनके सगे बेटे हैं ना, पूरे मम्मी को बदनाम करने पे पड़े हुए हैं। ये भी आप प्रूफ लेके आए हैं ना तोतले भैया, सब आपके खिलाफ ही गए हैं और सब में आप झूठे ही साबित हुए हैं। ये गोलू भैया जो है ना, इतना ऑडियो वीडियो लेके आ रहे हैं ना और प्रूफ लेके आ रहे हैं, उससे मोटा मोटा यही पता चलता है ना कि बसंती जी ये नीचे का जो बना हुआ घर है ना उसको पूरा रखना चाहती है अपने हिस्से में, और ऊपर अनीता जी को कह रही हैं कि आप ऊपर चले जाइए, और दादाजी भी मिले हुए हैं वो भी बसंती को पूरा नीचे का देना चाहते हैं। लेकिन ये कहीं का नियम नहीं है कि रास्ता एक जन को मिल जाएगा, दूसरा कहाँ से आएगा जाएगा, रास्ता कभी भी एक जन को नहीं मिल सकता है। और रही बात ऊपर बनाने का, तो शायद नीचे वाला बाथरूम जो है वो अनीता जी के हिस्से में आई है, क्योंकि उनको एक रूम और एक किचन मिली है, तो बाथरूम शायद उनके हिस्से में आई है। बसंती जी को तो दो बड़ा बड़ा रूम मिल गया है, तो अब वो बाथरूम देना नहीं चाहती हैं, इसलिए अब वो जो बाहर बरंडा है ना जिसमें दादाजी सोते हैं, अब उसका मैटर लेके उठ गई हैं कि ये हम रखेंगे। तो फिर विवश होके क्या करेंगी अनीता जी, कहेंगी कि रख लो भैया बाथरूम को रख लो, अब आने जाने का तो रास्ता दोगी। जैसे कि फिर तोतले भैया ने चैनल वाली बात ले आई कि लकी भैया और ललित भैया ने झूठ बोला चैनल की बात, जो किड्स चैनल वाली बात है, तो ये बात झूठ बोली, उस पर पापा काम करते थे। तो अब इनकी बातों से, तोतले भैया की बातों से लग रही है ना कि अब इनको उसमें पैसा चाहिए, जो सब कह रहे हैं ना, जो सोशल मीडिया पर हल्ला है कि लाखों करोड़ों कमा के ये बैठे हुए हैं, तो अब ये तोतले भैया को हिस्सा चाहिए। नहीं देख रहे हैं मस्त गबरू जवान हो गए हैं, गमछी लेके घूम रहे हैं, है ना तोतले भैया। और दादा ने खुला कहा कि जिसमें हम रहते हैं ना, जिसमें दादा जिसमें से सबका आना जाना है, ये रूम बसंती को दे दिया जाए। क्यों दादाजी, बसंती को क्यों दिया जाए, ये तो रास्ता है ना, रास्ता किसी को कैसे मिल सकता है। बसंती जी को बड़ा छत पर रहने का मन कर रहा है, पैसा खर्च करिए रहिए, क्या दिक्कत है। भैया ने जो ऑडियो हम लोगों को सुनाया ना, दिखाया ना, उससे ये तो पता चल गया कि पंचायत हो चुका है, तो ये बसंती जी बार बार क्यों कह रही थी कि पंचायत नहीं हुआ है। भैया कह रहे हैं कि हमारे फेवर में कोई नहीं है, हमारे फेवर में बस वही एक है धरती की मैया दुर्दुरपुर वाली, उनको थैंक यू बोले जा रहे थे। तो हाँ दुर्दुरपुर वाली से याद आया, हाँ धरती मैया से याद आया। धरती मैया आज के वीडियो में कह रही थी कि उन्होंने अनीता जी को सजेशन दिया, अनीता जी ने सजेशन मान लिया, उन्होंने बहुतों का झगड़ा सुलझाया है इस रिएक्शन चैनल से यूट्यूब पे बैठ के, और इनकी ये इतनी अच्छा सजेशन देती है ना, इससे बहुतों का झगड़ा रुक गया है। अपने मियाँ मिट्ठू तोता, आप रिएक्शन क्या देती हैं बताएं, आप थोड़ा उसको भी खुश करती हैं, थोड़ा इसको भी खुश करती हैं, दोनों पार्टी को थोड़ा थोड़ा खुश करती हैं। रिएक्शन का मतलब है आप जिसके साथ खड़े हैं और जो सच्चाई है आप उसके साथ खड़े रहिए, भले आपको कितना भी कमेंट सुनो भैया आईडी चेंज कर करके दे गाली, फिर भी आप अपना स्टैंड चेंज ना करें। लेकिन आप थोड़ा आप इस पार्टी को भी खुश करती है, थोड़ा आप उस पार्टी को भी खुश करती है, इसको रिएक्शन नहीं, इसको डबल फेस कहते हैं, हिंदी में हम बोलना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है धरती मैया। और गोलू कह रहा है कि मेरे पास तो ज़्यादा प्रूफ है नहीं, मेरे पास ये ऑडियो ही है जो आप लोग को सुना रहे हैं। हाँ लेकिन जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन अनीता जी ने चारों तरफ से कैमरा लगा के रखी थी, अगर ये बात गलत है तो अनीता जी वीडियो पोस्ट कर दीजिए। सुनिए अनीता जी, तोतलू भैया वीडियो आपको पोस्ट करने के लिए कह रहे हैं चार दिन के लड़के। तोतलू भैया आपको हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ने की उम्र है, जाइए पढ़िए, ये सब YouTube में कुछ नहीं रखा है, वीडियो वीडियो में कुछ डॉलर कमा लीजिएगा, इससे ज़िंदगी ना निकलेगी। एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि आपको पूरे लाइफ काम आएगी, जाइए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका जितना किस्मत में होता है उतना ही मिलता है, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ जो लिखा रहता है ना वही होता है,
जो आपके माथे पे लिखा रहता है ना, अकेले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। हम और आप क्या चीज़ हैं? तो आपके जो किस्मत में है उसको स्वीकार करिए और खुश रहिए, और बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए ताकि इनका भविष्य अच्छा हो। अपने ये देवरानी जेठानी के झगड़े में ना बच्चों को मत घुसाइए, समझे? ठीक है, तो जी मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में। और मेरी ये बातें आप सबको सच्ची लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में। बाय।